आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस का वेब 3 वॉलेट क्या है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, बैकअप आप कैसे ले सकते हैं, और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं या मेटा मास्क यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है, ट्रस्ट वॉलेट और वेब 3 वॉलेट में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। कुछ टाइम पहले बाइनेंस ने वेब 3 वॉलेट लॉन्च किया था जिसकी अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी, तो वीडियो लेके हम हाजिर है। तो बाइनेंस ने अपना वेब 3 वॉलेट लॉन्च कर लिया है जो कि अब बाइनेंस की एप्लीकेशन में ही यूज कर सकते हैं। वॉलेट और एक्सचेंज का डिफरेंस जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सचेंज में सिंपली ये होता है कि आपके जो भी फंड्स होते हैं वो उस एक्सचेंज के पास होते हैं, उसकी जो कस्टडी होती है वो भी एक्सचेंज के पास होती है। बाजार तो वो आपके अकाउंट में होते हैं मगर वो एक एक्सचेंज के अकाउंट में होते हैं। अगर एक्सचेंज कभी हैक होती है, बंद होती है, तो आपके जो फंड्स हैं वो भी लॉस हो सकते हैं। तो इसीलिए हम वॉलेट का यूज़ करते हैं। इससे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर रहे थे, मेटामास्क का यूज़ कर रहे थे। अब जैसे कि बाइनेंस ने भी वेब 3 वॉलेट लॉन्च कर लिया है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और बाइनेंस की एप्लीकेशन में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि जब भी आप फंड्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे होंगे, जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे अपने फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो एड्रेस होता है वो बार बार कॉपी करना पड़ता है, फिर पेस्ट करना पड़ता है। बाइनेंस की एप्लीकेशन के वेब 3 वॉलेट से ही यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। आपका जो रिसीविंग एड्रेस होता है वो एक बार आपको वाइट लिस्ट करना होगा, वाइट लिस्ट के बाद आप इजीली इसको सेंड कर सकते हैं बिना एड्रेस को बार बार कॉपी किए। तो ये तो इसका बेनिफिट हो गया। इसके अलावा जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आपको 12 से 24 वर्ड्स के एक सीट फ्रेश दी जाती है। तो बाइनेंस वेब 3 वॉलेट भी सेल्फ कस्टडी वॉलेट है और ट्रस्ट वॉलेट भी सेल्फ कस्टडी वॉलेट है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनाते हैं या मेटामास्क पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको 12 से 24 वर्ड्स की फ्रेश की दी जाती है जो आप अपने पास लिखते हैं और उसी से वापस आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप गूगल ड्राइव पर भी अपना बैकअप कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे भी कुछ इसी तरह चीज़ें दी हुई है, मगर बाइनेंस ने यहाँ पे ये किया है कि जो सीट फ्रेश का चक्कर था, 12 से 24 वर्ड्स की जो की मिलती थी आपको, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे सिंपली ये होता है कि आप जब बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसी के अंदर वेब 3 वॉलेट बनता है और उसी में ही आपका अकाउंट लॉग इन होता है। एक तो ये सिंपल चक्कर हो गया जहाँ से आप अपना वेब 3 वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ये चीज़ है, जब भी आप वेब 3 वॉलेट बनाते हैं तो आपकी जो अकाउंट कॉपी है वो तीन जगहों पे बनती है। एक तो आपकी कॉपी बनती है, मोबाइल में बैकअप बन जाता है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और इनक्रिप्टेड भी होता है। सेकेंड, इसकी जो कॉपी है वो आप अपनी डिवाइस पे सेव करते हैं जो कि जाहिर बात है इनक्रिप्टेड होती है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अगर आपकी ईमेल वगैरह हैक भी हो जाती है, जब तक आप वो पासवर्ड नहीं लगाएंगे, जो पासवर्ड लगा के आपने बैकअप सेव किया होगा, तब तक कोई भी आपका वॉलेट एक्सेस नहीं कर सकता। और तीसरी जो उसकी कॉपी बनती है वो बनती है बाइनेंस के पास। बाइनेंस इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखता है ताकि अगर दो की आपके पास कभी भी लॉस हो जाती है तो जो थर्ड कॉपी है उसके थ्रू आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, जो कि आपके बाइनेंस का जो मेन वॉलेट होता है, मेन अकाउंट होता है, उसी के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट मुझे ये दिखाई दिया जो कि बहुत अच्छा था। मगर यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी बाइनेंस की, वो ये है कि बाइनेंस की एप्लीकेशन के थ्रू ही आप यूज़ करते हैं वेब 3 वॉलेट को। अब अगर बाइनेंस की एप्लीकेशन कभी डाउन पड़ जाती है, उसके सर्वर डाउन पड़ जाते हैं, वो यूज़ नहीं होती, तो आप अपना वॉलेट भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेब 3 वॉलेट भी बाइनेंस की एप्लीकेशन के अंदर ही है, वहीं सारे इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो एक ये डिसएडवांटेज जो मुझे लगा वो ये है, मगर अमूमन ये बहुत कम होता है। मगर अगर ट्रस्ट वॉलेट को और मेटामास्क को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो मुझे ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। मगर इसका बेनिफिट ये हो गया कि जब भी आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपने फंड इंस्टेंटली अपने बाइनेंस अकाउंट से बाइनेंस वॉलेट पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वो इंस्टेंटली हो जाएगा। आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा, एड्रेस को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब बाइनेंस का वेब 3 वॉलेट बनाते कैसे हैं, उसका बैकअप कैसे लेते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और बनाते हैं बाइनेंस का वेब 3 वॉलेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे वॉलेट में, ठीक है। जैसे ही आप वॉलेट पे आएंगे तो टॉप पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेब 3, एक्सचेंज के बराबर में लिखा हुआ है वेब 3, उसको आपने प्रेस करना है। ये देखें यहाँ पे आ गया वेलकम टू वेब 3 और नीचे यहाँ पे आ रहा है क्रिएट वॉलेट, इसको आपने प्रेस करना है। ये देखें यहाँ पे वॉलेट क्रिएटेड, ये कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखें ये हो रहा है, तो ये देखें हमारा जो वेब 3 वॉलेट है यहाँ पे क्रिएट हो गया है और कुछ एसेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। वॉलेट में हमारे $0 पड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको इस वॉलेट का बैकअप लेना होगा।
बैकअप लेने के लिए इसको प्रेस करें वॉलेट वन को, बाय डिफॉल्ट जो नाम आया है यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वॉलेट वन नॉट बैकअप, ठीक है, इसको आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करने को बोलेगा और यहाँ पे कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा। मैं इसको करता हूँ अलाउ। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ बैकअप योर वॉलेट एंड सेट योर रिकवरी पासवर्ड, द पासवर्ड इज यूज टू इनक्रिप्ट योर की शेयर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में बताया था कि जब भी आप वॉलेट का बैकअप लेंगे तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लगाना होगा और उसी पासवर्ड के थ्रू ही आप अपना वापस से बैकअप यूज़ कर सकेंगे। इसको प्रेस करते हैं बैकअप, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है बैकअप विथ गूगल ड्राइव और बैकअप विथ QR, तो QR कोड से हम नहीं कर रहे, हम गूगल ड्राइव से करेंगे जो रिकमेंडेड भी है। इसको मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे आपको अपना रिकवरी पासवर्ड लगाना है 6 करेक्टर का, ऊपर भी वही लगाना है नीचे भी वही लगाना है। तो भाई यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया। मिनिमम 6 करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आ रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट बाइनेंस कैन नाउ रिकवर माय इनक्रिप्टेड, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ें लिखी हुई है, आपसे ये कन्फर्म कर रहा है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो बाइनेंस आपकी हेल्प नहीं करेगा ये पासवर्ड रिकवर करने में, क्योंकि ये सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट है, इसकी जो की है वो आपके पास ही होगी और किसी के पास नहीं होगी। अलबत्ता बैकअप जो है बैकअप की कॉपी ज़रूर होगी, मगर बैकअप भी तभी इस्तेमाल हो सकता है जब आप ये पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू और उसको करते हैं बैकअप। ये देखिए आपका जो बैकअप है वो इनक्रिप्ट हो रहा है, बैकअप सक्सेसफुल, उसको करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखें बैकअप सक्सेसफुली हो गया, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बैक जाए मैं इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, उसको रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे वापस से आते हैं वॉलेट वन, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब ये डैशबोर्ड है बाइनेंस वेब थ्री वॉलेट का। वॉलेट वन को आप रीनेम भी कर सकते हैं, अपना कोई भी नाम देते हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ कस्टमाइज पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन के लिए अलग वॉलेट रखना चाह रहे हैं, किसी अल्टकॉइन के लिए अलग रखना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है, कोई भी आप अपने नाम देकर इसको सेव कर सकते हैं। इसको कर देते हैं बिटकॉइन वॉलेट और यहाँ पे आप कोई भी अवतार वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे देखें बैकअप मैनेजमेंट आ रहा है कि बैकअप आपका हो गया है। इमरजेंसी एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इस अपने वॉलेट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं, मगर जब भी आप इमरजेंसी एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वॉलेट है आपका वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो आपको दोबारा आपको इंपोर्ट करना होगा। तो फिलहाल इसको रहने दें, कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट 5 एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आप दूसरे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे NFT ऐड कर सकते हैं, और अगर आप मार्केट पे आएंगे तो यहाँ पे आप मार्केट पूरी विजिट कर सकते हैं कि कौन से कॉइन की क्या प्राइस चल रही है यहाँ पे, ठीक है, स्वैप कर सकते हैं अपने कॉइन्स को। यहाँ पे अर्न का ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने आप जो कॉइन्स हैं उनको स्टेक करके अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है USDT अगर यहाँ पे आप स्टेक करेंगे तो 16% आपको पर ईयर मिलेगा, अगर USDT करेंगे तो 13% मिलेगा। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर डिस्कवर में आएंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग है, पेनकेक वगैरह है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बाइनेंस के अकाउंट से आप USDT यहाँ पे कैसे बेच सकते हैं, यहाँ से बाइनेंस के अकाउंट में कैसे बेच सकते हैं, स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ताकि एक वीडियो ये बहुत लॉन्ग ना हो जाए वरना आप बोर हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।